नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एसेंशियल फीस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं इसी साल आपकी जिंदगी में ढेर सारे खुशियां लाए। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो के दौरान हमें देखने को मिलेगा बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहला क्वेश्चंस, ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ, कैसे और कब हुआ। दूसरे क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं सबसे पहले लाइट की उपस्थिति यानी कि लाइट की शुरुआत कैसे, कहाँ और कब हुआ। तीसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या एक ही यूनिवर्स इसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है या फिर और बहुत सारे यूनिवर्स मौजूद है। चौथे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जाने माने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या राय था, उनका क्या मानना था। तो चलिए शुरू करते हैं। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड सबसे पहले एक एटम के साइज से भी छोटे आकार में था, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मास एक टीनी पॉइंट में पैक्ड हुआ था। इसी पॉइंट को हम सिंगुलरिटी कहते हैं। लगभग 13 बिलियन साल पहले इसी टीनी पॉइंट का एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, जो कि अभी तक बढ़ता जा रहा है। और अगर साइंटिस्ट के रिकॉर्ड की बात करें तो हर साल ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक्सपांड अभी भी कर रहा है। इसी स्टार्ट ऑफ एक्सपेंशन को बिग बैंग कहते हैं। जैसे जैसे एक्सपेंशन होता गया ये उतना ज़्यादा ठंडा होने लगा। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स इतना ज़्यादा हॉट था कि लाइट की पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। यानी कि आप सोच के देखिए कि बिना सोर्स ऑफ लाइट यानी कि ना कोई स्टार्स ना कोई नॉर्दर्न लाइट्स के यूनिवर्स कैसा होगा। जैसे जैसे हॉटनेस कूलनेस में बदलता गया, सबसे पहले स्टार्स का बनना शुरू हुआ। स्टार्स के बनने की वजह से लाइट का उत्पन्न हुआ, यानी कि बाकी सभी चीज़ें जैसे कि प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड और जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं वो सभी का फॉर्मेशन प्रोसेस अभी तक बरकरार है। बैंग थ्योरी के हिसाब से जब एक्सपेंशन यानी कि जिसे हम बिग बैंग कहते हैं शुरू हुआ, वो उसी समय टाइम का शुरुआत हुआ। कि अगर ये थ्योरी अगर सच है तो एक्सपेंशन शुरू क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका आंसर हम में से किसी को नहीं पता। और हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर हमें लगभग 100 साल या फिर 200 साल या फिर हजारों साल लगेंगे इसका आंसर जानने के लिए। लेकिन कई साइंटिस्ट हैं जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडिया हैं। जैसे बिग बैंग थ्योरी ये दर्शाता है कि दुनिया का एक्सपेंशन यानी कि बिग बैंग क्यों हुआ, कैसे हुआ। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये जो बिग बैंग हुआ वो एक्चुअली में एक बिग बाउंस है, जिसका मतलब बहुत सारे सीरीज ऑफ यूनिवर्स में से एक हमारा यूनिवर्स जो कि अभी एक्सपेंशन कर रहा है, और ये एक्सपेंशन कभी ना कभी ज़रूर रुकेगा और वापस ये उसी सिंगुलरिटी पॉइंट जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन था वहीं पे आके वो कन्वर्ट हो जाएगा एक सिंगुलरिटी में, जिसके बाद कोई और जैसे कि सिंगुलरिटी पॉइंट बिग बाउंस होगा और उसी प्रोसेस को ये रिपीट करेगा। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि बिग बैंग का स्टार्ट होना समय का शुरुआत नहीं है। वो मानते हैं कि और भी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स हमारे आसपास मौजूद हैं जिनको अभी तक ढूंढ पाना हमारे मानव के लिए इम्पॉसिबल जैसा है। कुछ कहते हैं कि ऐसे यूनिवर्स लगातार एक दूसरे से टकराते रहे हैं और जिसकी वजह से सेटिंग ऑफ बिग बैंग होता है, जिसका मतलब लिमिटलेस नंबर ऑफ यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं एक मल्टीवर्स में। साइंटिस्ट डेविड स्लोवान, जूलियन बार्बर, टीम कोलोस्की का कहना है कि हो सकता है कि एक मिरर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता हो जिसे हम फ्लिप्ड यूनिवर्स कहते हैं, जिस यूनिवर्स में टाइम फ्लो करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑफ आवर ओन, जो कि हो सकते हैं यानी कि एग्जिस्ट करता हो अदर साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी।
द ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि हो सकता है देयर कुड बी मोर देन वन यूनिवर्स कैन एग्जिस्ट, जिसको उन्होंने उनके फाइनल पेपर में उन्होंने कहा था कि आवर यूनिवर्स कुड बी ए प्रोजेक्शन ऑफ टू डायमेंशनल यूनिवर्स। अगर उनके बात में सच्चाई थी तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरा यूनिवर्स की वजह से बिग बैंग यानी कि एक्सपेंशन ऑफ दैट सिंगुलरिटी का यानी कि द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का शुरुआत हुआ हो। बहुत सारे लोग बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानते, उनका यही मानना रहता है कि भगवान ने ही दुनिया को यानी कि संसार को बनाया है। एक फिजिक्स स्टूडेंट होने के बावजूद मैं भी 100% यही मानता हूँ कि भगवान ने ही सारा संसार सारा दुनिया को बनाया है। और अगर आप वास्तव में देखें, अगर रियलिटी में आप देखें, तो दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सभी जुटे हुए हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, यानी कि द सर्चिंग ऑफ गॉड इज स्टिल गोइंग आउट देयर। अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप उसका प्रूफ चाहते हैं, तो हम एक क्वांटम फिजिक्स के बेसिस पे हम एक नए वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम ये प्रूफ करेंगे कि भगवान सचमुच में मौजूद है। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इसी वीडियो के दौरान। हम जानना चाहते हैं आप सभी लोगों का ओपिनियन कि क्या संसार एक बिग बैंग की वजह से शुरू हुआ, या फिर क्या स्टीफन हॉकिंग का जो उन्होंने अपने लास्ट पेपर में लिखा, क्या उनमें सच्चाई था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल एसेंशियल फिजिक्स को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।